मैं हूँ मैं, और मैं हूँ इस वक्त कहाँ बताएं, मैं हूँ मैं हूँ इस वक्त सोलियर बाजार में, और सोलियर बाजार एक तारीखी इलाका है। तारीखी इलाका क्यों है बताएं मुझे, मैं आपको बता। सोलियर बाजार की हिस्ट्री ये है, ये 1857 में बना था। यहाँ पे मुस्लिम जमात ने पहले सबसे पहले मस्जिद बनाई थी, और उसके बाद से ये इलाका डेवलप होना शुरू हुआ 1857। और इधर इस इलाके में मशहूर जीएम सैयद साहब का घर है। जीएम सैयद वो है जिन्होंने 1943 में पाकिस्तान बनाने के लिए जो करारदाद पेश की थी सिंध असेंबली में, जब ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उनका घर भी इधर है। उसके घर का नाम हैदर मंजिल। बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी 15-20 साल पहले जब हम जवान थे, नोमान अजीज के साथ हम यहाँ के खाते थे। कम पैसों में उस वक्त बहुत चीज़ें मिलती थी, तो हमारे पास कम पैसे होते थे और हम इधर से बहुत चीज़ें खाते थे। आज सिंघानिया परिवार के पास दौलत तो बहुत है, लेकिन चीज़ें नहीं हैं अभी खाने की, ऑप्शंस ख़त्म हो गए। पहले पैसे नहीं थे तो चीज़ें बहुत थी, और अब पहुँच गए हम सकाफत कबाब हाउस। ये मशहूर है शामी कबाब और कीमा, इनका बहुत मशहूर है। और इधर मिलते हैं पराठे, तो इधर मिलती ही सिर्फ तीन चीज़ें हैं, कबाब, कीमा और पराठे। पंद्रह साल पहले की ये बात है, जब मैं कराची में एक मौसीकी की एक चैनल पे काम करता था, हमारे एक मैनेजर होते थे नोमान, उनका क्या नाम था पूरा भूल गया, अब वो एक न्यूज़ चैनल के बहुत बड़े शिकरे बन चुके हैं, नोमान अजीज़ और चंद गरीब एडिटर, कुछ गरीब प्रोड्यूसर्स और कुछ गरीब डायरेक्टर्स मिल के हम यहाँ खाना खाने आते थे। 50 हमारे पास पहले भी पैसे नहीं होते थे, खैर पैसे तो हमारे पास भी नहीं होते, पहले हम दूसरे लेवल के गरीब थे, अब हम तीसरे लेवल के गरीब हो चुके हैं। तो 15 साल पहले जब मैं इधर आया था, नोमान अजीज़ हमको यहाँ लेके आए थे, हम सब गरीबों को, वो हमारे सरबरा थे। तो उस याद में, उस मेमोरी की वजह से आज मैं वापस सोलियर बाज़ार में सकाफत के कबाब, इधर मिलते हैं शामी कबाब और कीमा। कराची में जब हम पराठे की बात करते तो पराठे अमूमन मैदे के ही मिलते हैं हर जगह, जो चाय के भी होटलों में मिलते हैं, और वैसे भी कराची में पूरे में मैदे के पराठे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइन आटे के पराठे, ना ये डीप फ्राइड है, ना ये बिल्कुल थोड़ा सा इन पर ये ऑयल लगा के, तो ये ज़्यादा रबरी नहीं होते, वरना अमूमन वो टायर जैसे हो जाते हैं सख्त हो के, जिससे दांत भी ज़ख्मी हो जाते हैं। से लौंग, जीरा, गरम मसाला, अदरक कतरी भी, ये जो मैं कह रहा हूँ, हमारा खाना आ गया है, शामी कबाब, कीमा, चटनी, प्याज और ये पराठे हैं, जो कि सुलेमानी टाइप के, ये मैं छोड़ के पहले हमेशा कबाब बगैर चटनी में काफ़ी टेस्ट किया जाता है इसका। दाल और मीट बन कबाब बाटम का जैसा बन कबाब होता है, ये वैसा नहीं है, ये शामी कबाब टाइप। अब इसको चटनी, इसके
प्याज का कभी भी पसंद नहीं आया जिंदगी में, लेकिन ये मिलते यही है। अब कीमे पे हमला करना होगा, इसमें बीफ के चंक्स बिल्कुल कीमा जैसे हाथ का कुटा होता है उस टाइप का है, ये मशीन का बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कीमा है, ये वो कीमा नहीं है जो हर जगह मिलता हो। रमजान आने वाले, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे शहरी में काफ़ी रश होता होगा। सुलझर बाजार है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत करोड़ों अपार्टमेंट हैं और अरबों लोग यहाँ पे रहते हैं। अरब ऐसे वो अरब सऊदी अरब वाले अरब नहीं, तादाद में जो ज़्यादा लोग अरब होते हैं। 15-18 साल बाद यहाँ बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। पहले हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, हमारे पास खुश रहते थे, सब दोस्त मिल के काम के बाद आते थे डिफरेंट जगहों पे खाना खाने। अब सिर्फ वो मेमोरीज रह गई हैं, सब लोग कोई कहीं है कोई कहीं है, किसी से मुलाकात होती है किसी से नहीं होती, लेकिन वो मेमोरीज अब उधर बैठ के मेरे पास अभी भी मौजूद थी जब हम अपने सारे दोस्त मिल के काम से हम आते थे। तो मेरा मकसद ये बताने का ये है कि जो आपके दोस्त हैं उनसे कनेक्ट रहें। सब चीज़ें वक्त आता जाएगा, पैसे सब चीज़ें आके चली जाती हैं, लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं ना वो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं करना नहीं करें। ये भाई थे, इनको बहुत शौक था, और फिर आखिर में जब इनका कैमरा ऑन किया तो इन्होंने बोला ये देख, ये बच्चे, ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये हमारा लल्ला भाई है ना, डिसअपॉइंटमेंट।